मध्य प्रदेश के सीहोर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। पत्रकार की लाश रेलवे पटरी पर मिली है। इस वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार जिस पत्रकार की हत्या हुई, उसकी पहचान लोकेश योगी के रूप में हुई है। अज्ञात हत्यारों ने लोकेश योगी की हत्या कर शव को रेलवे पटरी के पास फेंक दिया। लोगों ने जब लाश को देखा तो उन्होंने मंडी थाना पुलिस को इसकी सूचना दी। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस वारदात की जांच में लगी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर नवनीत योगी। ये किस प्रकार की घटना हुई है? सर ये घटना जो बताई जा रही है, हमारे भैया है बड़े, लोकेश योगी नाम है इनका, और इनके साथ किसी ने मारापीटी की है ऐसा हम लोगों को लग रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि उनके मतलब जो भी चोटें वगैरह लगी हैं, इसके खिलाफ प्रशासन थोड़ी कार्रवाई करे और सख्ती से मामला ले। क्या करते थे योगी जी? ये पत्रकार थे, जिला संवाददाता थे। हाँ सर, मेरे को शक है यहाँ पे उनका, किसी से एक दो दिन पहले हाथापाई वगैरह हुई थी। प्रकाश नाम का है वो लड़का, और हम ये वो रहने वाले हैं, यूपी के हैं, लेकिन अभी सीओडी दे रहे हैं वो काफ़ी टाइम से। क्या कर रहे हैं भैया? हमाली वगैरह करता सर। तो आपने इसका आवेदन दिया है कहीं पर? सर आवेदन वगैरह हमने दिया है और हम लगाएंगे इसके साथ के पास भी, और हम ये चाहते हैं कि इसकी घटना की जो है पूरी जांच की जाए।